दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए पहली खबर में देखिए, बिहार में 7 जनवरी से शुरू होगा जाति आधारित जनगणना, 2 चरणों में होगी गिनती। जबकि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जाति आधारित जनगणना करवाया जा रहा है। इसको लेकर उनका कहना है कि इस जनगणना के बाद सही मायने में मालूम चलेगा कि इस जाति की आबादी कितनी है और किन्हें सही मायने में आरक्षण की जरूरत है। वही देखिए इसको लेकर अब जो ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक 7 जनवरी से बिहार में जाति सह आर्थिक गणना शुरू होगी। वही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह प्रक्रिया को चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में मकान की गिनती होगी तो वहीं दूसरे चरण में जाति के साथ आर्थिक गणना होगी। हालांकि दूसरे चरण की गणना मार्च में शुरू की जाएगी। पहले चरण में मकान की गणना होगी जो कि 21 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। इस दौरान जनगणना करने वाले कर्मी को मकान पर नंबरिंग करेंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में घर बनाने वालों के लिए खुशखबरी, प्रदेश के 900 नए घाटों से बालू खनन की तैयारी। जी देखिए, राज्य में नए बंदोबस्तदारियों से बालू खनन की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य के 35 जिलों के करीब 900 बालू घाटों की बंदोबस्त सहित पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया भी चल रही है। कोर्ट ने बंदोबस्ती को 25 दिसंबर 2022 तक पूरा करने और सिया बिहार को 3 महीने के भीतर बालू घाटों को पर्यावरणीय मंजूरी देने की समय सीमा तय की है। तब तक राज्य में बालू खनन के लिए बिहार राज्य खनन निगम द्वारा पुराने बंदोबस्तधारियों से 25 दिसंबर 2022 तक खनन की अनुमति दी गई है। ऐसे में निर्माण कार्यों को जारी रखने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने 25 दिसंबर से नए बंदोबस्तधारियों द्वारा खनन शुरू होने तक सभी कार्य विभाग सहित 10 विभागों को निगम के माध्यम से बालू खरीद कर भंडारण करने की अपील की है। अभी सभी कार्य विभागों ने इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी कार्य विभागों से यह भी कह दिया कि यदि कोई विभाग निगम के माध्यम से अपने स्तर पर बालू खनन करना चाहते हैं तो विभाग इसके लिए भी अनुमति दे सकता है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार से अलग मिथिला राज्य बनाने को लेकर पटना में प्रदर्शन, इन जिलों को किया जाएगा शामिल। जहाँ देखिए बिहार से अलग मिथिला राज्य बनाने की मांग एक बार फिर से उठने शुरू हो गई है। इसी कड़ी में राजधानी पटना में रविवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन की ओर से मार्च निकाला गया। वहीं देखिए बड़ी संख्या में युवाओं ने राजभवन की ओर कूच किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा हाथों में तख्तियां लेकर पटना के गांधी मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च किया। दरअसल मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे इन प्रदर्शनकारियों को कहना था कि मिथिला उत्तर बिहार का इलाका है, यहाँ की भाषा भी अलग है, मैथिली भाषा बोली जाती है। ऐसे में जब देश में राज्यों का बंटवारा अमूमन भाषा के आधार पर किया ही गया है तो इसे भी अलग राज्य बनाना चाहिए। इसको लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष आदित्य मोहन का कहना है कि मिथिला क्षेत्र के लोग अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, बाढ़ जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। यदि ऐसे में एक अलग राज्य बनेगा तो इसकी तरक्की होगी और विकास भी नजर आएगा। बड़ी खबर में देखिए, राज्य के अस्पतालों में 2 पालियों में होगी ओपीडी। जहाँ देखिए राज्य के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय बदलेगा। अब एक पाली में चल रही ओपीडी की 2 पालियों में करने की योजना पर काम चल रहा है। विभाग ने तय किया कि सदर अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, पीएचसी आदि में पहली पाली सुबह 9 बजे से 1 बजे तक होगी। इसके बाद 2 घंटे का विश्राम होगा, फिर दूसरी पाली 3 से 5 बजे तक होगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जल्द इस बाबत आधिकारिक निर्णय लिया जाएगा। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में प्राय अभी मरीजों का उपचार सुबह 8, 9 से 2 बजे के बीच हो रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाके या छोटे शहरों के अस्पतालों में तय समय में मरीजों को उपचार नहीं हो रहा है। तय अवधि में चिकित्सक या अन्य स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल में नहीं रहते हैं। खासकर दूर दराज या ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों से विभाग को इस तरह की शिकायतें मिल रही थी, इसलिए सरकार ने ओपीडी की व्यवस्था को और कारगर करने का निर्णय लिया है। बड़ी खबर में देखिए, कोडनी में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज। जहाँ देखिए बिहार विधानसभा के कोडनी सीट के उपचुनाव को लेकर सोमवार को मतदान होगा। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सभी बूथों पर पारा मिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। उपचुनाव को लेकर 15 कंपनी पुलिस बलों की तैनाती की गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रविवार को बूथों की ओर से मतदान कर्मी रवाना हो गए हैं। 320 बूथों का गठन किया गया है। सभी बूथों पर ईवीएम एवं वीवीपैट लगाए गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस चुनाव में 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। वहीं इस चुनाव में मुख्य मुकाबला महागठबंधन एवं एनडीए प्रत्याशी के बीच की है। साथ ही चुनाव का परिणाम 8 दिसंबर को आएगा।
बाड़ी के राज्य में पटना, पूर्णिया और दरभंगा की हवा हुई बेहद खराब, खतरनाक स्तर पर पहुंचा एक्यूआई लेवल। जहाँ देखिये बिहार में शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पूर्णिया और दरभंगा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। रविवार शाम 4 बजे तक आंकड़ों के मुताबिक पूर्णिया में एक्यूआई 423 और दरभंगा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 पहुंच गया था। वहीं देखिए राजधानी पटना की बात करें तो यहां की हवा भी बेहद खराब हो गई है। रविवार को पटना के एक्यूआई लेवल 378 था, शनिवार की तुलना में अधिक है। पटना समेत बिहार के कई शहर प्रदूषित हवा के मामले में दिल्ली से ज्यादा बुरी हालत में है। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण का यह खतरनाक स्तर मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है। बिहार के लगभग सभी शहरों में प्रदूषण का कारण PM2.5 है। PM2.5 हवा में मौजूद ऐसे धूलकणों को कहा जाता है जिनका आकार 2.5 माइक्रोन से कम होता है। यह सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। बड़ी खबर में देखिए राज्य में दिन और रात के तापमान में गिरावट शुरू, दिसंबर के दूसरे सप्ताह से बढ़ेगी और ठंड। जबकि राज्य में दिन और रात के तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ठंड बढ़ने के आसार है। वहीं दूसरी ओर तेजी से लुढ़क रहे न्यूनतम तापमान के कारण रात में ठिठुरन की स्थिति शुरू हो गई है। वहीं देखिए दिन में धूप जाने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन शाम के 4 बजे से धूप की धमक खत्म हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं देखिए मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 7 दिसंबर तक आसमान साफ रहेगा। वहीं सुबह के समय हल्का कुहासा छाया रहेगा। इसी बीच 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी। वहीं देखिए ठंड की शुरुआत के साथ ही ब्रेन हेमरेज व स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अचानक तेज सिर दर्द, उल्टी या बेहोशी छाने लगे तो हेमरेज की आशंका ज्यादा होती है। बड़ी खबर में देखिए राज्य में घर दूर होने का नहीं चलेगा बहाना, अब गृह जिले में होगी डॉक्टरों की तैनाती। जब देखिए राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने अब डॉक्टरों को बड़ी राहत देने की योजना बनाई है। विभाग ने अब अपने घरों से बाहर के जिलों में काम कर रहे डॉक्टरों को बड़ी राहत दी है। दरअसल अब उन्हें अपने घर के आसपास ही काम करने की सुविधा मिलने वाली है। दरअसल बिहार में जब से नई सरकार आई है तब से सबसे अधिक ध्यान स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ही दिया जा रहा है। इसको लेकर हर रोज विभाग द्वारा कोई न कोई नई तरकीब या योजना बनाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के अंदर स्वास्थ्य विभाग की बदहाल हुई व्यवस्था में सुधार लाना है। इसी बीच अब विभाग द्वारा एक और नई पहल की जा रही है, अब अपने गृह जिले से बाहर काम कर रहे डॉक्टरों को अपने ही जिलों में तैनाती की जाएगी। विभाग ने बताया कि घर से दूर होने के कारण डॉक्टरों को दूसरे जिले में जाकर ड्यूटी करनी होती है। इस कारण लेट लतीफ के कारण स्वास्थ्य विभाग में सही तरीके से काम नहीं होता है। घर से दूर होने के कारण डॉक्टर देर से अस्पताल आते हैं, इसके साथ ही इसका असर चिकित्सा व्यवस्था पर होता है। समय से पहले ही घर चले जाते हैं, साथ ही कभी कभी अस्पताल में चिकित्सक समय पर नहीं आ पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर देखिए बिहार में 50 वर्ष से अधिक आयु वाले नहीं बन सकेंगे सिविल सर्जन, बेवजह मरीज किया रेफर तो होगी कार्रवाई। जबकि राज्य में स्वास्थ्य विभाग अब एक नई पहल करने जा रही है, अब राज्य के किसी भी सिविल सर्जन की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दरअसल यह पहल राज्य के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रहने के लिए किया जा रहा है। मालूम हो कि फिलहाल राज्य के अंदर अधिकतर सिविल सर्जन की आयु 50 वर्ष से अधिक है। इसको लेकर उनकी कार्यशैली को लेकर हर बार सवाल उठते रहते हैं। इसी को लेकर यह योजना बनाई जा रही है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि सिविल सर्जन फील्ड के लिए सबसे सक्षम व वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, ऐसे में उनका फिट होना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है कि क्यों न सिविल सर्जन की अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष कर दी जाए। वहीं सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा चुका है, अब इसे जल्द लागू करने की तैयारी में है। खबर में देखिए इंटर पास छात्राओं को इसी महीने तक मिल जाएगी प्रोत्साहन राशि, माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार का निर्देश। जहां देखिए इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण सभी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिसंबर के अंत तक उनके खाते में भेज दी जाएगी। इसके लिए मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर सभी जिलों से छात्राओं का ब्यौरा भी मांगा गया है। कई जिलों के स्कूल ने ब्यौरा देने में देरी की है। वहीं देखिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि इंटर उत्तीर्ण 5 लाख से अधिक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलनी है। चूंकि इस बार मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर छात्राओं की एंट्री ली गई है, इस कारण विलंब हुआ है। नई व्यवस्था के तहत सीधे छात्राओं के खाते में राशि जाएगी। वहीं अभी तक 1.5 लाख छात्राओं को सत्यापन कर उन्हें छात्रवृत्ति भेज दी गई है। 5 लाख छात्राओं को राशि मिलनी है। शेष का सत्यापन कर राशि भेजी जा रही है, जो इस महीने के अंत तक पूरी कर ली जाएगी।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में सरकारी वकीलों की फीस बढ़ेगी। 14 साल बाद हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश। यह देखिए, देश में भले ही रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमत लगातार आसमान छू रही हो, लेकिन बिहार में सरकारी वकीलों की फीस में पिछले 14 साल से रत्ती भर भी इजाफा नहीं हुआ है। सरकारी वकीलों की फीस नहीं बढ़ाए जाने के मामले में कल पटना हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। इससे जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तत्काल सरकारी वकीलों की फीस बढ़ाने के लिए एक ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ 2 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि बिहार में लगभग 14 साल से सरकारी वकीलों की फीस में इजाफा नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। देखिए, बिहार में बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक चाड़ी गंगा नदी को जोड़ा जाएगा, 5 जिलों को होगा फायदा। जहाँ देखिए, बिहार में बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक चाड़ी गंगा नदी का जोड़ योजना का काम अगले साल 2023 में पूरा हो जाएगा। वहीं दोनों नदी जोड़ योजनाओं को पूरा होने का सीधा फायदा 5 जिलों के लोगों को होगा। इसमें शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिला शामिल है। इन नदी जोड़ योजनाओं के पूरा होने से सिंचाई सुविधाओं का विकास होगा, साथ ही बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने वाले इलाकों का बचाव हो सकेगा। वहीं जल संसाधन विभाग ने दोनों योजनाओं की धीमी गति की रिपोर्ट के बाद तेजी से काम करवाने का अधिकारियों को और इंजीनियरों को निर्देश दिया है। वहीं देखिए, सूत्रों के अनुसार बागमती बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ योजना में बागमती नदी को बूढ़ी गंडक नदी से जोड़ा जाएगा। इसके लिए शिवहर जिला स्थित बेलवागर योजना पर काम हो रहा है। यह बिहार की पहली नदी जोड़ योजना है। इस योजना से शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिला में बाढ़ से बचाव हो सकेगा, साथ ही बड़े इलाके में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। शिवहर से मोतिहारी जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर आवागमन भी बाधित नहीं होगा। यह हर साल बागमती के कारण बाधित हो जाता है। बड़ी खबर में देखिए, तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 23 और 24 को। जहाँ देखिए, बड़ी खबर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 23 और 24 दिसंबर को आयोजित करेगा। 1000 से अधिक केंद्र बनाए जाने हैं। परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने से लेकर केंद्राधीक्षक की नियुक्ति तक विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं देखिए, परीक्षा के 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। पारदर्शिता बरतने के लिए और कदाचार को रोकने के लिए मुख्य सचिव बिहार एवं पुलिस महानिदेशक बिहार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक भी हुई है। वहीं देखिए, आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की संख्या 40,000 से अधिक होने पर पीटी व मेंस दोनों परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एम रहमान ने बताया कि पीटी में अभ्यर्थी सामान्य धन, सामान्य विज्ञान एवं गणित विषय के एक एक टेस्ट बुक ले जा सकते हैं। पीटी 150 अंकों की होगी। इसके लिए 2 घंटा 15 मिनट समय निर्धारित किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, इग्नू में दिसंबर टर्म एंड एग्जाम का असाइनमेंट जमा करने की डेट बढ़ी। जहाँ देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इग्नू TET दिसंबर 2022 के लिए असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है। टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2022 के अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। वहीं इग्नू टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2022 परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर आधिकारिक नोटिस चेक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।